हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बियर्ड एंड हेयर स्टाइल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MD5 एयरबैग्स के बारे में। और यार सच में बताऊं तो मुझे नहीं पता कि आज मैं रिव्यू करने वाला हूं या मैं रोस्ट करने वाला हूं, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि ये रिव्यू था या रोस्ट था। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग MD5 एयरबैग्स को यूज़ करते हैं ना, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो बैग्स आप यूज़ कर रहे हो, जो आप अपने बालों में लगा रहे हो, वो आपके लिए सही है या नहीं है। और इस वीडियो के बाद वो आपके ऊपर है, आप इस वैक्स को यूज करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सही है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले से देखते हैं इसके डब्बे को। तो इसका बॉक्स जो है, इसके ऊपर लिखा है MG5 हेयर वैक्स मेड इन जापान। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये वैक्स जापान में बनता है। लेकिन इसके डब्बे के ऊपर कहीं से कहीं तक भी आप पढ़ोगे तो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स मेंशन नहीं है कि ये वैक्स कहाँ बनता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, जो इसे सप्लाई कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये इस पर कहीं भी मैंशन नहीं है। तो ये चीज़ की सबसे बड़ी मैं माइनस पॉइंट मानता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर कहीं से कहीं तक भी इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ हुआ है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता किसी भी वैक्स के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि उसके अंदर यूज़ क्या हुआ हुआ है, तो वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और अगर आप ये वैक्स यूज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये जानने के बाद आप इसको यूज़ करोगे या करना चाहोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बालों से ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको हर प्रोडक्ट को अपने हेयर्स पर बहुत सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए, जिससे बालों को कोई हार्म ना हो। सर, अब मैं आपको MG5 एयरवैक्स के बारे में फ्रॉड बताने जा रहा हूँ कि MG5 एयरवैक्स के साथ क्या फ्रॉड हो चुका है। कुछ टाइम पहले एक मैन्युफैक्चरिंग डीलर पकड़ा गया था जो अपने खुद के वैक्स बनाता था, लेकिन उसके ऊपर MG5 का लेबल लगा के सेल करता था मार्केट में। यानी कि MG5 एयरवैक्स के फेक डब्बे मार्केट में बिक रहे थे बहुत टाइम तक। और जब वो डीलर पकड़ा गया, तब पता चला 40,000 के करीब MG5 के फेक प्रोडक्ट्स वो बना करके मार्केट में सेल कर चुका था, और पता नहीं किस किस ने उसको यूज़ किया होगा। तो यार अगर और बात करी जाए इस वैक्स के फ्रॉड्स के बारे में, तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये 100 ग्राम का है और इसके ऊपर MRP है 120 रुपीज, और मार्केट में ये आपको 120 में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसी साइट्स पे जाके देखोगे तो वहाँ आपको बहुत ही कम में मिल जाता है। वहाँ यही 100 ग्राम का डब्बा है इसका 150 रुपये में 3 बॉक्सेस मिल रहे थे। और ये पॉसिबल कैसे है कि 120 जिसपे MRP है वो 150 रुपये में 3 मिल जाएंगे आपको साइट पे जाके। मैं मानता हूँ कि जितने ही प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं ऑनलाइन पे मार्केट के मुकाबले, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं मिलते हैं मेरे भाई। तो इस वैक्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करो तो ही आपके लिए अच्छा है। और अगर मैं इसके बारे में पर्सनल रिव्यू दूं, तो मैंने इससे बहुत हेयर फॉल फेस किया है जब मैंने इस वैक्स को यूज़ किया है अपने स्कूल टाइम में। तो एट लास्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं ये वैक्स किसी को भी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, तो वो आपके ऊपर है आप इसको यूज़ करते हो या नहीं। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई फ्रेंड MD5 एयरबैग्स यूज़ करता है तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक।